हेलो गाइस, आज हमने बनाई है इडली मदर्स डे पे स्पेशल। और अपनी मदर को याद करते हुए, वो अभी इस दुनिया में नहीं है लेकिन अपने दिल में उनको बसा के और उनकी यादों से कनेक्ट करते हुए, और मैंने बनाया अपने बच्चों के लिए नाश्ता। और मैंने इडली बना ली है और मैं आज बनाऊंगी उनकी स्पेशल ठंडाई, जिसको मैं मदर्स डे पे स्पेशल बना रही हूँ बच्चों के लिए। और मैं उसको एंजॉय करूंगी और उनको याद करूंगी। उसके लिए मैंने लिए हैं सूखे हुए गुलाब के फूल, तो सौंफ, दो चम्मच सौंफ के, और भिगो लिया है उनको, काली मिर्च ली है और दो इलायची ली है और पॉपी सीड्स लिए हैं, और जिसको कहते हैं पोस्ता दाना भी कहते हैं इसको, और साथ में लिए हैं 15 से 20 बादाम और एक गिलास दूध लिया, एक गिलास पानी, 4 चम्मच चीनी, और क्योंकि बहुत मीठा हमको नहीं पीना है तो ये चीनी का घोल बना दे रहे हैं। और तब तक हम सब चीज़ें अपनी मिक्सी में डाल के और पीस लेंगे ग्राइंडर में डाल करके, सारी चीज़ें पीस करके ही यूज़ की जाएंगी। और जो चीज़ें रात में भिगोने वाली है वो मैंने आपको दिखा दिया कि उसको रात में भिगो दिया जाएगा, जैसे सौंफ, बादाम, ये भिगो करके डाला जाएगा। और गुलाब की पंक्तियाँ आप ऐसे ही डाल सकते हैं, दूध आप इसमें थोड़ा सा पीसने के लिए डाल लीजिए जिससे कि शाइनिंग आएगी और अच्छे से पीस जाएगा। इसको पतला पीस करके और बिल्कुल फाइन पीस लिया जाएगा, और फिर इसको पानी में, उसी में जो चीनी वाला हमारा घोल था उसमें इसको मिला लेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और फिर इसको छान लेंगे बराबर से मिक्स करके। देखिए कितना प्यारा कलर आया है ठंडाई का। ये हमारी घर की ठंडाई है और लोग बाज़ार से भी लेते हैं, लेकिन हमारी माँ इसको घर में बनाती थी तो इसको हम भी घर में बनाते हैं और बहुत अच्छी लगती है, पेट के लिए फ़ायदेमंद भी है। और हम जानते हैं कि हमने इसमें क्या क्या डाला, मार्केट वाली में हमें नहीं पता होता कि हमने क्या डाला। और बाकी बचा हुआ दूध जो रखा था ग्लास में वो इसमें मिक्स कर लेंगे, और इसको गर्मियों में ही बनाते हैं, ये अंदर की गर्मी को भी शांत करता है पेट की। और इसको बच्चों को, बड़ों को, आप सभी को दे सकते हैं, ये फ़ायदेमंद है। और गुलाब का तो आप जानते ही हैं, गुलाब भी ठंडक देता है, सौंफ भी ठंडक देती है, और बादाम के साथ इसका स्वाद और अच्छा आता है। और इसमें मैंने डाली है थोड़ी थोड़ी बर्फ़, और मैंने 3 गिलास बनाया है, क्वांटिटी उसी के अकॉर्डिंग रखी थी। आप जैसे बनाए उसको बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और मुझे हल्का मीठा पीना है इसलिए मैंने हल्की चीनी डाली है, आप उसमें वैसे डाल सकते हैं। ये देखिए मेरा नाश्ता तैयार है, मैं जा रही हूँ नाश्ता एंजॉय करने, और मेरी इडली, चटनी और ठंडाई रेडी है, मैं एंजॉय करूँगी मदर्स डे पे। अपने को भी विश कर रही हूँ, अपनी माँ को याद कर रही हूँ, और अपने बच्चों के लिए भी मैंने बनाया है, इसलिए बच्चों के लिए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है बना करके, क्योंकि अभी बच्चे मेरे साथ हैं। ये देखिए मैं ठंडाई एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।